नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और दिल्ली एनसीआर दिनभर में आपका स्वागत है। सबसे पहले धनतेरस की ढेर सारी बधाइयां। नजर डालते हैं प्रमुख समाचारों पर। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सभी निजी अस्पतालों में 80% बेड कोरोना मरीजों के लिए होंगे रिजर्व। सीरो सर्वे में सामने आया सच, दिल्ली का हर चौथा इंसान कोरोना से है संक्रमित। दिल्ली की हवा के साथ पानी भी हुआ प्रदूषित, यमुना नदी में प्रदूषण की मात्रा बढ़ी। नशे में धुत पुलिस कर्मी ने सोसाइटी में किया ड्रामा, कमिश्नर ने किया सस्पेंड। दिल्ली पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाया, 5 गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के सभी निजी अस्पतालों में 80% बेड कोरोना मरीजों के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे। दिल्ली के करीब 33 निजी अस्पतालों पर यह आदेश लागू होगा। पूरी रिपोर्ट देखें। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है। मरीजों की संख्या लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। इस बीच दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों के आंकड़े को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए दिल्ली के 33 प्राइवेट अस्पतालों के 80% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करने को कहा है। हालांकि कोर्ट ने यह आदेश फिलहाल 2 हफ्ते के लिए ही दिया है। इसके बाद हाईकोर्ट 26 नवंबर को इस मामले में दोबारा समीक्षा करेगा। समीक्षा के दौरान 2 हफ्ते बाद कोर्ट देखेगा कि क्या 33 प्राइवेट अस्पतालों के 80% आईसीयू बेड को आगे भी रिजर्व रखा जाए या नहीं। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 3 दिन के भीतर कोविड-19 के लगातार बढ़ रहे मामलों को लेकर अपना जवाब दाखिल करने को भी कहा है, जिसमें दिल्ली सरकार अपनी तैयारियों की जानकारी कोर्ट को देगी। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट अस्पतालों को आदेश दिया है कि वो कोरोना मरीजों के लिए 80% आईसीयू बेड बाकी के बचे 20% आईसीयू बेड से अलग रखे, जिससे 20% नॉन कोविड मरीजों को कोविड-19 के मरीजों का संक्रमण ना लग सके। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई। हाल ही में जारी हुई सीरो सर्वे रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि दिल्ली में हर 4 में से एक शख्स कोरोना से संक्रमित है, फिर भी ढील क्यों दी गई? पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोरोना का संक्रमण किस तरीके से फैल रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर चौथा व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है। यह खुलासा, यह सच सीरो सर्वे में सामने आया है। सीरो सर्वे की रिपोर्ट दिल्ली सरकार की तरफ से अदालत में पेश की गई। पूरी रिपोर्ट देखें। राजधानी दिल्ली में कोरोना कहर बरपा रहा है। हर रोज पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा नया रिकॉर्ड बना रहा है। अब राजधानी का हर चौथा शख्स कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका है। दिल्ली सरकार के ताजा सीरोलॉजिकल सर्वे में ये बात निकल कर सामने आई है। 15,000 लोगों में सार्स कोविड 2 के खिलाफ एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए अक्टूबर में ये सर्वे हुआ था। सितंबर के सीरो सर्वे के मुकाबले आंकड़ों में कोई खास बदलाव नहीं आया है। ताजा रिपोर्ट ये कहती है कि कोविड-19 पॉजिटिव मिले लोगों में एक बड़ी संख्या यानी करीब 43.5% उनकी है जिनमें एंटीबॉडीज नहीं मिली। दिल्ली सरकार ने ताजा रिपोर्ट के आंकड़े बुधवार को हाईकोर्ट के सामने रखे। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को ढिलाई के लिए अदालत से फटकार भी मिली। कोरोना पॉजिटिव मिले 43.5% लोगों में एंटीबॉडी न मिलने को रिपोर्ट तैयार करने वालों ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। उनका कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडीज डिवेलप होने में समय लगता है और वो एक सीमित समय के लिए ही डिटेक्ट हो पाती हैं। जबकि रिसर्चर्स का कहना है कि संक्रमित लोगों में एंटीबॉडीज न होना इस बात का पक्का सबूत नहीं है कि वो बीमारी से सुरक्षित नहीं है। सितंबर के पहले हफ्ते में हुए सीरोलॉजिकल सर्वे में 25.1% लोगों में एंटीबॉडी मिली थी। अक्टूबर में यह आंकड़ा सिर्फ 0.4% से बढ़कर 25.5% तक पहुंचा है। रिपोर्ट के अनुसार सीरो प्रेवेलेंस में कमी की वजह अगस्त में कम इन्फेक्शन दर्ज होना और गायब होती एंटीबॉडीज हैं। अभी तक ये साफ नहीं है कि एंटीबॉडी से कोविड-19 के खिलाफ कितने वक्त तक प्रोटेक्शन मिलती है। कोरोना से राजधानी में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं।
उस पर प्रदूषण की वजह से हालात और खराब हो रहे हैं। मरीजों की संख्या हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। दूसरी तरफ दिवाली से पहले बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा, भीड़ से बाजार पटे पड़े हैं। ऐसे में जाहिर है कि आने वाले दिनों में राजधानी में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण तो बढ़ ही रहा है, अब यहाँ का पानी भी प्रदूषित हो रहा है। यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से उसमें सफेद झाग भरता जा रहा है। पूरी रिपोर्ट देखें। दिल्ली में कोरोना के कहर के बीच पॉल्यूशन लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। जहरीली हवा के साथ साथ दिल्ली का पानी भी जहरीला होता जा रहा है। लॉकडाउन में साफ हुई यमुना नदी में फिर से प्रदूषण का स्तर इस हद तक बढ़ गया है कि जहरीला झाग बनने लगा है। खासकर दिल्ली के कालिंदी कुंज स्थित यमुना नदी में झाग ज्यादा देखने को मिल रहा है। दूर से ही देखने पर ये झाग ऐसे लग रहे हैं मानो यमुना में सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई हो, तो कहीं ये जहरीले झाग बादलों जैसे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यमुना नदी में झाग बढ़ना प्रवासी बिहारियों के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि प्रवासी बिहारी यमुना नदी में ही छठ पूजा करते हैं। ऐसे में विभिन्न प्रकार के रोग होने का खतरा भी बढ़ सकता है। दिल्ली वासियों के साथ साथ जानवरों के लिए भी ये पानी बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। जो अमूमन अपनी प्यास बुझाने को यमुना नदी के किनारे पहुंचते हैं। यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ने की वजह से दिल्ली में जलापूर्ति भी प्रभावित रहेगी। दिल्ली के लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष राघव चड्ढा का कहना है कि हरियाणा से यमुना में छोड़े जाने वाले पानी में अमोनिया का स्तर असामान्य रूप से बढ़ जाने के चलते दिल्ली के कुछ हिस्सों में जलापूर्ति प्रभावित होगी। यमुना नदी में गंदा झाग वाला पानी बह रहा है। इस गंदगी भरे झाग की वजह से बीमारी फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। बता दें कि हर साल सर्दी के मौसम आते ही यमुना नदी में झाग दिखाई देने लगता है, लेकिन पिछले साल इसका प्रकोप कुछ ज्यादा ही रहा था और इस बार ये एक बार फिर से बढ़ता ही जा रहा है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की पंचशील हाइनिस सोसाइटी में एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक पुलिस वाले ने पिस्टल लेकर आतंक मचाया। पहले तो पिस्टल हवा में लहराई, फिर पत्नी को पीटा, फिर वहां के गार्ड पर पिस्टल तान दी। पूरी रिपोर्ट देखें। ग्रेटर नोएडा से एक संगीन मामला सामने आया है, जहां ग्रेनो वेस्ट की पंचशील हाइनिस सोसाइटी में शराब के नशे में धुत पुलिस कर्मी ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। शराब के नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने सोसाइटी में गार्डों से झगड़े के बाद हवा में पिस्टल लहराई। आरोप है कि पुलिसकर्मी ने शराब पीकर सोसाइटी में जमकर उत्पात मचाया है। पुलिसकर्मी की इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में एसआई पिस्टल लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिसकर्मी की पहचान विकास चौहान के रूप में हुई है, जो कि फेज 3 थाना क्षेत्र की प्रतला चौकी पर तैनात है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस कमिश्नर ने संज्ञान लेते हुए दोषी पुलिसकर्मी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया और विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। ये सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रचारित हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी के द्वारा कुछ गार्डों के साथ तबलता की जा रही है। इसमें जो जानकारी निकल कर के आ रही है कि ये सब इंस्पेक्टर हैं जो परथला चौकी में तैनात हैं। ये अपनी पत्नी के साथ महागुण माईवोट सोसाइटी है, वहाँ जा रहे थे। रात्रि में पारिवारिक विवाद के चलते इनके द्वारा पत्नी से भी मारपीट की गई और उसके बाद गार्डों के साथ भी अभद्रता की गई। इस प्रकरण को जो है पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा काफ़ी गंभीरता से लिया गया और तत्काल प्रभाव से इनको निलंबित कर दिया गया है और विभागीय कार्यवाही संस्थित कर दी गई है। साथ ही साथ अन्य विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। DCP हरिचंद्र ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक सब इंस्पेक्टर का गार्डों से अभद्रता का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी SI को सस्पेंड कर दिया है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए करुणा ठाकुर के साथ प्रणव भारद्वाज की रिपोर्ट, नोएडा। राजधानी दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक मर्डर के मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 36 घंटे के भीतर ही पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर इस पूरे ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। पूरी रिपोर्ट देखें। दिल्ली पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है।
दिल्ली पुलिस के नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत थाना अशोक विहार पुलिस की टीम ने 36 घंटे के अंदर ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाया है और इस हत्या में शामिल सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला अशोक विहार थाने का है। दरअसल कुछ दिनों पहले फिरोज नाम के युवक की लाश रोड पर संदिग्ध हालात में मिली थी। लाश मिलने के बाद ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और आरोपियों की तलाश में जुट गई। पुलिस ने मृतक फिरोज के दोस्त से पूछताछ की तो पता चला कि फिरोज चोरी करने के लिए अपने दोस्त के साथ गया था, मगर चोरी करने गए जगह पर सब लोग जग गए, जिसकी वजह से फिरोज और उसके दोस्त वहां से भागने लगे। भागते समय फिरोज का पैर फिसल गया और वो वहीं गिर गया, जिसके बाद मकान मालिक, किराएदार और पड़ोसी ने उसकी इस कदर पिटाई की कि उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उन लोगों ने फिरोज को मरा समझकर रोड पर ही फेंक दिया। पुलिस ने अपनी चतुराई से कुछ ही घंटों में पिटाई करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं मृतक फिरोज के घर वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हमें यही चाहते हैं जी कि हमारे लड़के के साथ इंसाफी हो। हाँ, और हमारे जो हमारा लड़का था, हमारे सहारा था माँ का, और वो हमारे सहारा जो छीन लिया। हमारा परिवार जो है ये 80% है, उसका ये फेफड़ा नहीं है। हम भी बीमार रहता हूँ, हमारा कोई कमाने वाला नहीं रह गया है। और वो शाम को लड़का जो है गया काम पे, 9-10 बजे टैंकर खाली माल उतारने, अभी कहाँ जाता है लड़का, कहाँ नहीं जाता, वो तो दोस्तों उसे ही पता था। अब और भी हमें क्या बताऊँ सर। अब फिरोज के एक दोस्त ने बताया कि फिरोज चोरी करने के लिए वहाँ गया था, क्या अभी सर आपको पता था? नहीं सर, ये तो हमें पता नहीं, उसको वही उसके दोस्त से जाने का हमें नहीं पता। आपको नहीं पता? नहीं जी। अब आप क्या चाहते हैं? पुलिस ने 5 को पकड़ लिया है, आप लोग क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि जो पुलिस वाले हैं या भी हमारे दिल्ली पुलिस है, मैं उनके यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वह गरीबी का साथ दें और हमारे साथ इंसाफी करवाएं। इस मामले में ACP अशोक विहार के SN सुबुदी के नेतृत्व में SHO अशोक विहार और वजीरपुर चौकी इंचार्ज नरेंद्र शर्मा की टीम ने कुछ ही घंटों में ये केस सुलझाया है। अब इस केस के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए करुणा ठाकुर के साथ शहजादा हाशमी की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली NCR दिन भर में अभी के लिए इतना ही। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।